सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे फेयर फाइल्स के टॉप मोस्ट हॉरर एडवेंचर एपिसोड्स के बारे में, जिसको लोगों ने जो है काफी ज्यादा पसंद किया था। तो फेयर फाइल्स के फर्स्ट सीजन के कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो काफी डरा देने वाले हैं, तो बात करेंगे इन एपिसोड्स के बारे में। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे जो एपिसोड है जिसका नाम है भानगढ़, तो ये भी काफी बढ़िया एपिसोड था फेयर फाइल्स का, जो लोगों ने काफी पसंद किया था। तो इस एपिसोड में दिखाया था कि झांसी की रानी शो की शूटिंग के दौरान कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है जो काफी डरा देने वाली थी। तो इस एपिसोड का एंडिंग सीन आप जरूर देखना। तो दोस्तों, फोर्थ नंबर पे जो एपिसोड है जिसका नाम है खूबसूरत जिन, तो ये भी काफी बढ़िया एपिसोड था फेयर फाइल्स का, जिसमें एक जिन और एक इंसान की कहानी को दिखाया गया। तो इस एपिसोड का भी लास्ट सीन आप देखना ना भूलें। तो दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो एपिसोड है जिसका नाम है छलावा, और इसका दूसरा जो नाम था वो था हाईवे 66। तो ये एपिसोड भी फेयर फाइल्स का बहुत ही ज्यादा बढ़िया एपिसोड था, जो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने इस एपिसोड को देखा है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो एपिसोड है जिसका नाम है स्कूल गर्ल, तो ये भी काफी बढ़िया एपिसोड था फेयर फाइल्स का, जो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी एपिसोड्स के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप आसानी से इन सभी एपिसोड्स को देख सकते हो। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो एपिसोड है जिसका नाम है किन्नर की अंतिम यात्रा, तो ये भी काफी बढ़िया एपिसोड था और काफी डरा देने वाला भी था। माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला होए। तो इसकी स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो देखना ना भूले इस एपिसोड को। तो दोस्तों, ये थे फेयर फाइल्स के पहले सीजन के टॉप मोस्ट हॉरर एपिसोड्स। तो गाइस, आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप इस शो के सेकंड पार्ट पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना।